हमने देखिए कल जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन दिया था आपको, आज उसका आंसर हम बताते हैं। अब धीरे धीरे बहुत से लोग अब जवाब देना बंद कर रहे हैं। देखिए ऐसे ही होता है कि जो तैयारी करने वाले लोग जब आते हैं मैदान में ना, शुरुआत में तो लोगों का खून बहुत गर्म रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो एग्ज़ाम निकालेंगे वो एग्ज़ाम निकालेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ना, लोगों को धीरे धीरे क्या होता है, मन बदलने लगता है। यही हाल होता है तैयारी वालों में। जो लोग मन से लगे रहते हैं वही सक्सेस होते हैं, जो आखिरी तक पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि दो दिन पढ़ाई किए फिर उसके बाद उनके मन में कुछ ये बनने का था वो बनने का था, फिर धीरे धीरे क्या वो करते हैं तो तैयारी छोड़ने लगते हैं। तो बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कंपटीशन बहुत आसान है, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। तो जो लोग अपना लगातार आंसर दे रहे हैं अपना आंसर देते रहें, और जो लोग नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं। देखिए हमने आज जो 2021 में अभी हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ था जेल वार्डन वाला, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें से आप लोग देखिएगा कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़ेगा इसका जवाब देने के बाद। ये देखिए पेपर है यूपी पुलिस का जो जेल वार्डन वाला हुआ था, तो उसी का मैं सीधे करवा रहा हूँ, पेपर ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं लगभग प्रीवियस ईयर का बहुत से पेपर करवाऊँगा। तो इससे क्या होगा कि आपका भी पता चलेगा कि हाँ इसी प्रकार से एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको भी अपने आप पे भरोसा बढ़ता जाएगा कि नहीं हाँ मैं इस साल कर ले रहा हूँ, मतलब मुझसे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप कल के लोगों को जवाब दे दें। तो कल सबसे पहले जो जवाब आया था नितिन पाल आर्मी बॉय का, इसका क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो उनमें था आम चुनावों में मतदान, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा है कि ये मतलब आपको या देश के नागरिक का कर्तव्य हो कि वो चुनाव में अपना मतदान करे, ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही था इसका, ये ऑप्शन सही था आम चुनाव मतदान। फिर एक मैंने बताया था ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, हमने बताया था कल, थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन से रिएक्शन कर ले तो बना लेगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो उसी नाइट्रेट को इसे तो बोलना चाहिए हीमोग्लोबिन नाइट्रेट बोलना चाहिए, नाइट्रो हीमोग्लोबिन बोलना चाहिए, लेकिन नाइट्रो हीमोग्लोबिन ना बोल के उसे बोलते हैं मिथेनोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोग्लोबिन। तो ये जो बीमारी होती है मिथेनोग्लोबिन से होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया इसने जवाब दिया है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है ये इस बार पीसीएस में मैंने कहा ना कि पीसीएस का ही सीधे कर रहा है, पीसीएस में ही पूछा ही था। फिर उसके बाद एक था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील। मैंने जब झीलों को करवाया था भारत में उपस्थित झीलों का स्टैटिक जीके में देखेंगे आप, तो वो करवाया है, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है भारत में, चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील है। फिर एक क्वेश्चन था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो सब बहुत लोगों को पता है कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर एक हमने बताया था कि भारत में 21 जो पहले 21 वर्ष हुआ था मतदान करने का न्यूनतम आयु, वो घटाकर 61वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया गया था, 61वां संविधान संशोधन द्वारा घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन था कि जो कैग होता है भारत की जो लोक लेखा समिति होती है, जो संसद में सांसदों को मिलाकर बनाया जाता है लोक लेखा समिति जो 22 लोगों को होता है, तो उस लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है, तो ये लिखा है नितिन पाल आर्मी ने कि भारत की लोक लेखा की नहीं, तो लोक लेखा की नहीं बल्कि वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट अपना संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसका क्या करता है, वो जांच करता है। तो इसका एक क्वेश्चन गलत था विशाल पाल का, इसने अपना दिया है आम चुनाव पहला सही है, नाइट्रेट दूसरा गलत है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि दूसरा गलत है, क्यों गलत है वो बता दिया है, उसको बोलते हैं मिथेनोग्लोबिन, नाइट्रेट से जब रिएक्शन कर लिया हमारा हीमोग्लोबिन तो उसे कहते हैं मिथेनोग्लोबिन। फिर उसके बाद बुलर झील, इसका तीसरा भी गलत है। फिर चौथा 16 सितंबर ये सही है, तो दो सही हुआ। फिर 61वां संविधान संशोधन ये भी सही है। फिर भारत की लोक लेखा की, तो ये गलत है, तीन इसका जवाब सही है विशाल पाल का। फिर उसके बाद सूरज पटेल, इन्होंने अपना जवाब दिया है आम चुनाव में मतदान, तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है, इनका नाइट्रेट नहीं होगा बल्कि मिथेनोग्लोबिन होगा। फिर तीसरा है बुलर झील, ये भी गलत है इनका, सूरज पटेल का। फिर 16 सितंबर सही है, 61वां सही है। फिर भारत की संचित निधि का, तो इनका ये भी गलत है, मतलब तीन सही और तीन गलत है, तीन सही तीन गलत है। तो फिर भी बहुत बढ़िया, अगर आपने तैयारी नहीं की है और जवाब सही दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, प्रदर्शन बहुत अच्छे हैं आपके। चलिए आज हम लोग आते हैं यूपी पुलिस वाले के क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब आपको देना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से प्रथम बार सम्मानित हुआ था, हमारे भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, अब ये भी पता चल गया कि भारत में वीरता पुरस्कार वीर गति जो प्राप्त होती है जो सेना लोग होते हैं उनको जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार उसका नाम क्या है, परमवीर चक्र। वीरता का पुरस्कार कौन है, परमवीर चक्र, मैंने लिखा नहीं है,
सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। उससे सम्मानित सबसे पहले कौन व्यक्ति हुआ था? सोमनाथ शर्मा, राघोबा राणे या विक्रम बत्रा या सलारिया। आपको इन चारों में से देना है, आप सही जवाब देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता किससे संबंधित है? ये भारत में बहुत बार शब्द रहता है, हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ये शब्द है कि नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता किससे संबंधित है? लोक नृत्य से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, लोक चित्रकला से संबंधित है या फिर प्रसिद्ध मेला से संबंधित है? आपको इसका जवाब देना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द कलकत्ता क्रोमोसोम पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? जेरी पिंटो ने, एटवुड ने, अमिताभ घोष ने या फिर जोनाथन स्ट्राउड ने? जेरी पिंटो ने, एटवुड ने, अमिताभ घोष ने, जोनाथन स्ट्राउड ने। तो कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखा है? द कलकत्ता क्रोमोसोम। फिर उसके बाद दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे माना गया है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश। अब ऑप्शन ही नहीं दिया था इसमें, पहली बार मैंने भी ये क्वेश्चन जब देखा बाद में इसका पेपर को, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हर जगह किताबों में तो यही लिखा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है, इल्तुतमिश, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था। फिर आपको जवाब देना है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोग सही जवाब दे देंगे। महमूद गजनवी था दिल्ली का प्रथम सुल्तान, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या आराम शाह था। ये आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। तो महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह, आपको ये जवाब देने हैं। फिर है, वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता मतलब वायुमंडल में हमारी कितनी आर्द्रता है, उस आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का या हाइग्रोमीटर का, देखो यहाँ पर हाइड्रो है और यहाँ पर हाइग्रो है, या लेक्टोमीटर का या फिर पोटेंशियोमीटर का, किसका प्रयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का। इन चारों में से आपको बताना है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा यूनेस्को सूची में नहीं है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जगह है जो यूनेस्को सूची में नहीं है? एक क्वेश्चन में एक्चुअली गलत पूछा था, हिंदी में इसका गलत ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश में सही पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश यूनेस्को साइट, इंग्लिश में सही से लिखा था, लेकिन हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बहुत घटिया किया था। ये हिंदी मीडियम के लिए ये घटिया करते ही हैं, जो आयोग वाले होते ना हिंदी मीडियम वाले को छाटने के लिए गलत क्वेश्चन में बना देते हैं, हिंदी में कठिन लिख देंगे। सिंपल सा मतलब बस लिखना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को साइट मध्य प्रदेश में उपस्थित नहीं है, लेकिन इसको इस भाषा में लिखा था। आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि समझ में नहीं आया तो कौन मध्य प्रदेश में उपस्थित नहीं है। सिंपल से आपको जवाब देना है, खजुराहो स्मारक स्थल या हम्पी स्मारक समूह या फिर सांची का बौद्ध स्मारक या भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा, खजुराहो का स्मारक स्थल, हम्पी स्मारक समूह, सांची का बौद्ध, फिर भीमबेटका की गुफा, खजुराहो। फिर उसके बाद भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है? अगर इसका जवाब अगर जिसको ना पता तो मैं लेना को पढ़ाई के लायक नहीं है। तो भारत का चीन के बीच में कौन सी सीमा है? मैकमोहन रेखा है, डुरंड रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, पाक जल डमरू है, पाक जल डमरू है। तो इतने आपको क्वेश्चन है, आपको अपना आंसर जवाब कमेंट करके जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद सभी को, जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे अपना कमेंट करेंगे, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए।